बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुज़श्ता ईद मुबारक। दीदीज किचन में वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चिकन कढ़ाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने देसी घी लिया है। अब इसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है, अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूंगी और इसमें थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गया। अब मैं 1 टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ओके जी, अब 2 स्पून मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसमें इसको फ्राई करेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने कलौंजी इसमें ऐड की है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और ये मैंने 8 लाल टमाटर लिए थे, इनको मैंने काट लिया था। 1 टेबल स्पून में इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। अब हम इनको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से इसमें गल जाए। देखें जी, टमाटर भी गल चुके हैं और सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं, अच्छा सा फ्लेवर बन रहा है। अब 1 कप मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है, इसमें हम इसको पकाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसके दम पे रख देंगे। जी देखिए, माशाल्लाह से हमारी लाहौरी चिकन कढ़ाई रेडी है। अब इसको मैं कोले का दम दूँगी, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से लाहौरी चिकन कढ़ाई रेडी है। आप भी ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।